नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको सेक्स गुरु बोला जाता था। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सनातन धर्म की जितनी गहराइयों में वो गए, उतनी ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में वो रहे, इतनी ही ऊंचाई की कॉन्ट्रोवर्सीज में वो रहे। 100 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी उनके पास। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ओशो की। और आज इस वीडियो में हम ओशो से जुड़ी हर उस छोटी से छोटी चीज को जानेंगे। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव के अंदर 11 दिसंबर 1931 को ओशो का जन्म हुआ। अब जन्म के दिन जो जन्म के समय इनका नाम था वो था चंद्रमोहन जैन। अब इनके इतनी विचित्र बात थी इनकी कि ये जो 7 दिन तक, जन्म के 7 दिन तक ना ही रोए और ना ही हंसे, सिर्फ इमोशन लेस थे, एक्सप्रेशन लेस थे इनका चेहरा। और डॉक्टर हैरान कि ऐसा बच्चा कैसे हो गया जो जन्म लेने के बाद ना ही रोया है ना ही हंसा है, कुछ नहीं, बस पड़ा है चुपचाप बिना कि कोई इमोशन दिखाया अपने चेहरे पे, बिना कोई एक्सप्रेशन के बस और बस पड़ा है। अब 7 साल की उम्र तक जो है नाना नानी के साथ रहा करते थे और नाना नानी के साथ खुलकर रहा करते थे। इनकी नानी ने हर तरह की छूट दे रखी थी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था। ओशो की जो जन्म कुंडली है वो बनारस के कुछ संतों को दिखाई गई। अब उन संतों ने कहा कि ओशो की जिंदगी में मरने का योग है, वो भी 21 साल की उम्र तक, हर 7 साल के इंटरवल में, मतलब 7 साल, 14 साल और 21 साल तक इनके मरने का योग है इन 3 सालों में। तो इन्हें जो है वो इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाएगी, इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी 21 साल की उम्र तक अगर ये जी लिए तो। अब होता क्या था, 7 साल की उम्र में जो है ओशो को बहुत खुली छूट थी, तो वो हर तरह की किताबें पढ़ते थे। बहुत शौक है किताबें पढ़ने का दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, ओशो ने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं और उनमें से एक भी किताब उन्होंने नहीं लिखी। मतलब 1 लाख से ज्यादा ओशो ने किताबें पढ़ी हैं और एक भी किताब खुद ने नहीं लिखी आज तक। आज भी जो आप ओशो की जो नाम की किताबें पढ़ते हैं या फिर आप बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए, वो उनके भक्तों ने लिखी है। जो ओशो के जो वो थे, प्रवचन थे, उनको उनके भक्तों ने टेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करा और फिर जो है उनको किताबों को आज वो बेच रहे हैं ओशो की परमिशन के साथ। ओशो बहुत कम भक्तों को जो है अलाउ करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि उनका जो चीज़ वो बता रहे हैं, जो दुनिया तक वो एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो एकदम टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर उसमें फेरबदल किए जाएंगे तो उनके नाम पे लालचन होगा, सनातन धर्म के नाम पे लालचन होगा। अब 7 साल की उम्र में जो है इनके नाना का देहांत हो जाता है और नाना के देहांत होने के बाद ये जो है अपनी नानी का घर छोड़ देते हैं और अपने वापस अपने घर चले जाते हैं अपने माता पिता के पास। लेकिन एक चीज है जो ये नानी के घर पे हमेशा किया करते थे, रोज 12 बजे जो है ये नानी के घर के पास में एक शमशान था, तो शमशान घाट पहुंच जाया करते थे। अब जिज्ञासा इतनी थी मन के अंदर कि जानना चाहते थे कि आत्मा का जो है वो मरने के बाद क्या होता है, इसलिए 12 बजे शमशान घाट पहुंच जाया करते थे। हमारे हिंदू परिवारों में तो वैसे ही बताया जाता है छोटे से छोटे बच्चे को कि जो शरीर है उसके अंदर एक आत्मा है और वो ही शरीर चला रही है, तो वही चीज इनके अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा भर दिए थे कि इनको पता नहीं क्या हो जाता था कि ये जाना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि शरीर का या फिर आत्मा का क्या होता है मरने के बाद। अब 14 साल की उम्र में जो है ये एक मंदिर में बैठ के मौत का इंतजार कर रहे थे, जैसा कि इनकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन 7 दिन तक ये मंदिर में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ, इनको खरोंच तक नहीं है, और फिर से ये किताबें पढ़ने में मगन हो गए। ओशो के पिताजी बताते हैं कि पहले जो है इनके घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है लाइब्रेरी में घर है। इतनी किताबें, 1 लाख से ज्यादा किताबें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 लाख से ज्यादा किताबें जो है वो ओशो ने पढ़ी है दोस्तों। ओशो को जो है लग्जरियस लाइफ जीने का बहुत शौक है। आप देखेंगे ओशो का एक मोटो भी था कि उनको जो है 365 रोल्स रॉयस खरीदनी है, जिससे वो हर दिन जो है एक नई रोल्स रॉयस के अंदर ट्रैवल करे। अब बचपन का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ओशो को बचपन से ही लग्जरियस लाइफ जीने का बहुत शौक था, तो उन्होंने एक बार अपने माता पिता से जिद कर ली कि उन्हें स्कूल जो है हाथी पे बैठ के जाना है। माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जिद पे बैठ गए कि मैं तो स्कूल जाऊंगा तो हाथी पे बैठ के ही जाऊंगा। माता पिता को जिद माननी पड़ी, हाथी पे बैठ के वो स्कूल गए। स्कूल के सारे बच्चे, शिक्षक जो हैं, सारे मास्टर्स ओशो को देख रहे थे कि कैसा बच्चा है जो हाथी पे बैठ के स्कूल आ रहा है। उस टाइम पे 1940 की बात है, 1941 की बात है। अब ओशो जो है 21 साल के हो चुके थे और उनकी कुंडली के अनुसार जो है उनको 21 साल की उम्र में मौत उनके पास आ जाएगी, वो मर जाएंगे 21 साल की उम्र में, और अगर वो जी जाते हैं तो उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाएगी। अब ओशो जो है मंदिर में जाके बैठ गए, लेकिन 21 साल की उम्र उनको कुछ हुआ नहीं और 21 साल की उम्र बीत गई। अब उनको लगा कि अब इनलाइटमेंट प्राप्त हो जाएगी, तो वो एक पीपल का पेड़ था जो स्कूल के दिनों में उनके बहुत ज्यादा करीबी बन चुका था। वो ये भी कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ से जो लगाव उनका हुआ वो आज तक उनका किसी भी इंसान के साथ नहीं हुआ है, इतना लगाव उनका उस पीपल के पेड़ से हो चुका था दोस्तों। तो हुआ क्या, ओशो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई, जैसा कि आप जानते हैं। और उस दिन से ओशो ने जो है उनको रजनीश आचार्य, आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने मेडिटेशन के ऊपर, योगा के ऊपर और लाइफ के ऊपर और बाकी जितनी भी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देते थे और सारे सेशंस रखते थे, और ओशो उस दिन से जो है आचार्य रजनीश के नाम से जाने लगे। पहले चंद्रमोहन जैन, फिर आचार्य रजनीश, और अब वही आचार्य रजनीश जो है आगे चल के ओशो बन गए। इस तरीके से उन्होंने जो है सनातन संस्कृति का प्रचार करा, इस तरीके से उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करा, वो भी सनातन संस्कृति की मदद से। अमेरिका
अमेरिका गए, अमेरिका के अंदर जो है सनातन संस्कृति का प्रचार करा, अमेरिका के अंदर जो है लोगों को सिखाया, लोगों को जीना सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, योगा सिखाई, लोगों को जो है लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी चीजें सिखाई। इनका मानना भी ये था कि अगर आपको सन्यासी बनना है तो आप गृहस्थ जीवन में भी सन्यासी बन सकते हैं, ये इनका मानना था। अब होता क्या था कि जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो बहुत से धर्मगुरु जो है वो इनके विपरीत हो गए कि भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप ये तो गलत कह रहे हो, वगैरह वगैरह चीजें। और इतना ही, ओशो जो अपने सेशन के अंदर बहुत जितने भी धर्म थे ना उन सबकी आलोचना भी बहुत खुलकर करते थे, वो इस्लाम का धर्म हो गया, फिर क्रिश्चियनिटी हो गया, यहाँ तक कि सनातन धर्म की भी कुछ चीजों का इन्होंने आलोचना की। एक और जो सनातन धर्म के धर्मगुरु है वो भी इनसे काफी खफा रहते थे क्योंकि इनका मानना था कि ओशो जो है वो बहुत गलत तरीके से सिखा रहे हैं सनातन धर्म को। लेकिन ओशो का तरीका जो है वो भक्तों को बहुत पसंद आ रहा था, अमेरिका के लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, इसी तरीके से ओशो जो है वो और फेमस हो गए। और दोस्तों ओशो के बारे में एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, आपको अगर पार्ट टू चाहिए तो आपको नीचे कॉमेंट करके बताना पड़ेगा, आपको जो है हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी राय नीचे बतानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पानी बचाए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आखिर क्यों एक 16 साल के बच्चे को सब भगवान कहने लगे, क्यों एक अमेरिकन प्रोफेसर सब कुछ छोड़कर बन गया रामदास? 2500 साल पहले भारत में कैसे की गई दुनिया की पहली सफल ब्रेन सर्जरी? दोस्तों इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए भारत के महान संतों और प्राचीन भारत से जुड़ी अद्भुत कहानियां आपको मिलेंगी हमारे नए चैनल योगिक मूवमेंट पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।